बीकानेर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के पार्षद पहले से ही तय करके आए थे और इसलिए बैठक शुरू होते ही न सिर्फ वो नारेबाजी करते हुए सदन में दाखिल हुए बल्कि इन्होंने पार्षद विनोद धवल के खिलाफ नारे लिखी हुई पट्टियां भी अपने गले में पहन रखी थी। अपनी बाहों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे कांग्रेसी पार्षद पहले मेयर नारायण चोपड़ा से उलझे, फिर उन पर तानाशाही का रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साधारण सभा की यह बैठक सात सूत्रीय मुद्दों को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें शहर में सफाई, सड़कों पर लाइट और निगम के आय के साधनों पर चर्चा शामिल थी। दो महीने बाद नगर निगम साधारण सभा हुई, हमारे निवेदन पे हुई। आदरणीय महापौर साहब कान में रुई डाल के बैठे हैं, आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं और मुंह पे इन्होंने टैप लगा रखी है। इनके राज के अंदर राजस्थान की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त और आदरणीय इनके पार्षद महोदय जो पैसे मांगने में ऑडियो टेप जारी हो गई है।